जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो पे यूपीएससी पार्ट 1 क्लियरनेस के तमाम प्रोग्राम्स का साथ किया पिछले पेपर में प्रोग्राम जाए थे क्लियरनेस के पिछले कौन सा अलग पेपर थे उन सबको हम सॉल्व कर चुके हैं वीडियोस चैनल के पेज पे मौजूद है ठीक है 2020 का पेपर हमने सॉल्व किया 2019 के पेपर में जो क्लियरनेस के प्रोग्राम आए वो सॉल्व किए इसी तरह 2018 के पेपर में जो प्रोग्राम यूपीएससी का पूछा गया वो सॉल्व किया इसका सॉल्व किया 2017 का भी पेपर सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स बेसिक जो 5 इयर्स पेपर आपके होते हैं उसमें जितने भी प्रोग्राम पूछे गए थे वो सॉल्व करके उसके वीडियो लेके चैनल के पेज पर मौजूद है जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं आपके पास ये देख सकते हैं वीडियोज तो आज की वीडियो में आपको इससे पीछे 2006 से लेके 2016 तक यानी कि ये कोई तकरीबन 12 साल बन जाती है तो इन 10-12 साल और मिलने वाले 5 साल की आप ऐड कर लें तो 15-16 साल बन जाती है सारे पिछले जितने ईयर्स हैं तमाम ईयर्स के जितने भी पास पेपर हैं उनके जितने भी प्रोग्राम के बेसिस के पूछे गए हैं आज सब कवरिंग में आपको 10 क्वेश्चन आपको ठीक है तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखती है बिल्कुल आप लोग सोच रहे होंगे कि एक वीडियो में इतने सारे पिछले कोई 15 सालों का के प्रोग्राम किस तरह से कवर होंगे तो देखिए जो पिछले 5 साल के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम थे उन पर तो हम लोग वीडियो बना चुके हैं तो उससे पीछे वाले पास पेपर हैं 2006 से लेकर 2016 इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक फाइल तैयार किया पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया ताकि आप लोग इसी भी इसको एक्सेस कर सके इस पीडीएफ पे आपको पिछले जितने भी पेपर हैं वो सॉल्व हुए मेरे कंपस क्वेश्चन मिलेगा विजय बेसिक के प्रोग्राम जितने भी आए हुए हैं सिर्फ उनका क्वेश्चन नहीं मिलेगा बल्कि जो आपके इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है इससे हट के टेक्स्ट बुक जो आपकी एक्सरसाइज है बुक भी उसके अंदर जो प्रोग्राम आपसे पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हैं चैप्टर वाइज सारे प्रोग्राम यहाँ पर इस फाइल में डिजाइन किए गए आप लोगों के लिए तमाम इंपोर्टिंग कंपनी इनपुट आउटपुट के साथ इंस्पिरेशन के साथ आप लोगों के लिए तैयार की गई है और लास्ट पर अगर आप आए देखिए जैसे ये लास्ट चैप्टर एंड हो रहा है यहाँ पर यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी 2016 से पेपर स्टार्ट हो गए ठीक है तो 2017 से लेके 20 तक तो हमने ऑनलाइन लेक्चर्स भी यहाँ पर आपको वीडियोस पे पेपर सॉल्व अपने कर लिए थे आपको चैनल पर भेज देंगे इससे जो पिछले पेपर है वो तमाम पेपर आपको इस फाइल में ठीक है लास्ट पे वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइल आप कहाँ से ले सकते हैं ठीक है किस तरह से आप इसको पूरी फॉर्मेट में अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है तो स्टूडेंट्स 2016 का पेपर आपके सामने है इसमें कितने प्रोग्राम है उसके बाद इसी तरह 2017 का पेपर उसके बाद 2014 के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं का सोल्यूशन ठीक है सिर्फ क्वेश्चन नहीं बस क्वेश्चन के सब आपके पास 2013 का पेपर इसी तरह 2012 2011 2010 2009 और ये सब ठीक है स्टूडेंट्स और यही नहीं बल्कि इनकी जो ऑब्जेक्टिव है इसके साथ साथ आपको सॉल्व ठीक है 2016 से लेके 2006 तक आपको सॉल्व एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि पिछले पेपर में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आप इन्हें कह सकते हैं सॉल्यूशन आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं आपको मिलेंगे इस फाइल में और जो 2017-18-19 के पेपर की ऑब्जेक्टिव है वो मैं आने वाली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन भी लाइव यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा तो उसकी अगर आपने वीडियोस के लिए अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं आपको वो वीडियो जैसे ही वीडियो अपलोड हो चैनल के ऊपर तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए ठीक है तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगी सॉल्व शुदा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं जितना आंसर आपको मिलेंगे यहाँ पर अगर मैं इसके पेज नंबर जहाँ से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं मैं उस पेज पर आपको लिखा दूँ तो पेज नंबर 70 पर हम चलते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से आपको
melhor. Porque tinha feito uma cena de viagem, que ia parar duas horas só, mas que também o programa é escrito tudo por mim. Bit output, sempre o produto, não tem ideia de que ele é CA, porque foi muito sensual, até pensar em steps, não tem ideia de que ele é bit coding, clicar ali, não tem ideia de que ele é essa de coding, não tem ideia de que ele é o programa que tinha guiado duas horas só, mas que também उसको सॉल्व करके ये सारा सेशन है ये सब डिजाइन हुआ है ये कोडिंग है सारी और नेक्स्ट अगर आप देखें ये प्रोग्राम था ये स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर जो है वो अरे में से ये सारी कोडिंग आपकी हो सकती है इसके बाद अगर आप देखिए तो इसी तरह ये सारे पेपर आपके यहाँ भी दूसरा का पेपर सॉल्व शुदा मिलेगा फिर यहाँ पर आपको 2014 का पेपर मिलेगा ये सारे प्रोग्राम आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए ठीक है तो लास्ट पर अगर हम आए 2012-11 ये सारे पेपर आपको पिछले 15 साल के पेपर यहाँ से आपको एक सोल्यूशन दे देंगे ठीक है जी तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू होता है ठीक है जी यहाँ पर 2016 के पेपर में आपको 2L5 पूछे गए थे उनका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिया गया है इसी तरह नेक्स्ट आए तो ये देखिए 2015 के पेपर में आपसे पूछे गए हैं वो आपके यहाँ पर दिए गए और इनका सोल्यूशन ठीक है यहाँ से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज है उनके आंसर यहाँ से आपके रिजल्ट देंगे आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारे पेपर आपको पिछले 10 साल 2016 से लेके 2006 तक ठीक है 6 से 2016 तक के पेपर आपके मजे देंगे और इससे जो नेक्स्ट पेपर है 17-18 के वो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ ज्यादातर अगर आप सकते हैं चैनल पे डिस्क्रिप्शन में भी मैं देखूंगा जहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये जो पीडीएफ है ये जो फाइल में मैंने आपको दिखाई है मैंने आप लोगों ने तैयार की अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मैं आपको कई मेल एड्रेस यहाँ पर दिखा देता हूँ ये मेरा ईमेल एड्रेस है आपके सामने मौजूद है hafizwsir@gmail.com आप इस ईमेल पे मेल करके ये पीडीएफ अगर लेना चाहें तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स ये आज का हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप लोग किस तरह से पिछले 15 साल के जो इससे ये होगा कि आपको जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है तो वो बना चाहते हैं और मेन सबसे इसका फोकस ये था कि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ठीक है अब से देखिए कोई तकरीबन 10 साल के पेपर के एमसीक्यू है और हर पेपर के कोई 10 एमसीक्यू तकरीबन ये कोई 100-150 के करीब एमसीक्यू है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं और नेक्स्ट पेपर में रिपीटेडली यही एमसीक्यू जैसा कि ये मेल मुझे नजर आ रहा है सामने क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये अगर आप देखेंगे आप लोग तैयारी करेंगे इस पीडीएफ को देखेंगे तो आप लोग खुद ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में ये वाला एमसीक्यू बहुत बार पेपर में रिपीट हो जाता है तो इसमें बहुत ही हेल्पफुल ये फाइल है आप लोगों के लिए आप लेना चाहें मैंने आपको बता दिया मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप लोग ई मेल कर सकते हैं मुझे और ये फाइल हासिल कर सकते हैं तो ये आज की वीडियो का यही पर्पस था आपके साथ एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करना था तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो भी अच्छी लगी है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें इजाजत नमस्कार प्यार रखिएगा।